नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। प्रोलैक्टिन का नाम आपने सुना होगा, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हम फीमेल फर्टिलिटी के लिए जो आते हैं, मतलब जो औरतें बच्चे नहीं हो रहे करके आते हैं, उनके जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें से एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। बट क्या प्रोलैक्टिन का और पुरुषों के इनफर्टिलिटी का भी कोई संबंध है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। प्रोलैक्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, मतलब कि एक हार्मोन है। बेसिकली जितने हार्मोन्स हमारे बॉडी में बनते उनमें एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो ब्रेन में है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्पेशली वेमेन में, क्योंकि जब वो बच्चों को दूध पिलाती होती है जब प्रोलैक्टिन लेवल्स ज़्यादा होते हैं, तो औरतों में तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। सो जैसे हम बोलते हैं कि औरतों में एलिवेटेड नहीं रहना चाहिए, जब वो माँ नहीं है और दूध नहीं पिला रही हैं, वो एलिवेटेड है तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अंडा रिलीज होने में प्रॉब्लम होता है। उसी तरह पुरुषों में भी एलिवेटेड होने के कारण उनके स्पर्म्स में भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रोलैक्टिन काम कैसे करता है। प्रोलैक्टिन, जैसे मैंने कहा, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये GnRH नामक हार्मोन को स्विच ऑफ कर देता है। जब ये GnRH स्विच ऑफ या कम रिलीज होने लगता है, FSH और LH नामक हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि GnRH रिस्पॉन्सिबल है FSH और LH के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ये FSH और LH कम हो जाते हैं पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, यानी कि बाल आना, स्पर्म्स का तैयार होना, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब प्रोलैक्टिन हाई होता है, GnRH कम हो जाता है, FSH, LH कम हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी कम होने के कारण स्पर्म का प्रोडक्शन रुकना या कम हो जाना अवश्य होने के चांसेस होते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हाई प्रोलैक्टिन या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया से एसोसिएटेड हैं। इनके बावजूद आपको लेथार्जी यानी कि लेजीनेस होना, आलस होना, ये सब भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा प्रोलैक्टिन होने की वजह से। यही नहीं, पुरुषों में ब्रेस्ट का बढ़ जाना और ब्रेस्ट में से वाइट डिस्चार्ज आना, यानी कि जैसे मैंने बताया औरतों में ये ज़रूरी है जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, ये हार्मोन ज़रूरी है, वैसे पुरुषों में जब ये एलिवेट हो जाता है ब्रेस्ट में से भी वाइट डिस्चार्ज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन सिम्टम ही काफ़ी नहीं होता है। क्या आपने कुछ ऐसे दवाइयाँ या कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो रहा है, ये भी जान लीजिए। सो डायग्नोसिस क्या है, क्यों हो सकता है ये? सो बेसिकली अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो स्ट्रेस ज़्यादा होना या एक्सरसाइज ज़्यादा करना, इसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो सकता है। पर ये जान लीजिए कि लिवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड अगर कम हो जाए तो भी हाइपर प्रोलैक्टिन के चांसेस हो सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कुछ ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं आप और उसके लिए दवाई ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो सकता है, यानी कि प्रोलैक्टिन का एलिवेट होना, तो ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स मैंने बताया आपको, क्यों हो सकता है ये भी बताया। आप किसी कंक्लूजन्स पे मत आइए, क्लिनिशियन डॉक्टर के पास जाइए, ये सब उनको विस्तार से बताइए, तब वो समझेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं। अभी हम सिम्टम्स और क्यों हो सकता है बताते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, इन्होंने जो चार सिम्टम बताए हैं वो मुझे है। कभी भी इस कंक्लूजन पे मत आइए, अपने आप डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। डॉक्टर क्या करेंगे, आपको एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। प्रोलैक्टिन बहुत ईजी तरह से पता कर सकते हैं ज़्यादा है या नहीं। सो जब टेस्ट करवाते हैं अगर नॉर्मल है तो बहुत कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शन फिर दूसरी तरफ मुड़ जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा है और ज़्यादा होने का कारण आप देख सकते हैं कि ये कारण हो सकते हैं, तो आपको टैबलेट्स दिए जाएंगे। 10-15 दिन में ही आपके हार्मोन लेवल्स ठीक होते हुए नजर आएंगे, और जिसके कारण GnRH ठीक हो सकता है, FSH, LH ठीक से रिलीज हो सकता है, और आपका स्पर्म प्रोडक्शन 1-2 महीने तो नहीं कहूँगी, 2-3 महीने में ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, डेफिनेटली आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे और आपको एक MRI कराएंगे, MRI ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर हो तो भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, बट वो लेवल्स पे डिपेंड होते हैं और आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपको MRI की ज़रूरत है या नहीं। इसीलिए जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो कितना है और किस लेवल में है, किस कारणवश हो रहा है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करके आपको मेडिकेशन या MRI कराने का निर्णय लेंगे। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, इसके बारे में आपको और जानना है और प्रोलैक्टिन और मेल इनफर्टिलिटी का संबंध क्या है और विस्तार में पूछना है, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स पे आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है,
जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।